दोस्तों, मनरेगा के हर एक काम में अभी NMMS ऐप के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस लेना होता है और ये अटेंडेंस हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं MIS से, साथ ही वो फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि NMMS ऐप से अपलोड होता है। लेकिन इस तरीके में थोड़ा बदलाव आया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस दिखाया था, लेकिन अभी यह दिखाने का मतलब कि अटेंडेंस दिखाने का या फ़ोटो दिखाने का तरीके में थोड़ा चेंजेस आया है। तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि यह नया चेंज कैसा है, कैसे ये अटेंडेंस और फोटो दिखाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, nrega.nic.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। अभी यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा, व्यू डेली अटेंडेंस NMMS ऐप। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सिंपली। इस पर क्लिक करते एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेट वाइज रिपोर्ट आपके सामने है और यहाँ से आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं, मतलब किस डेट का अटेंडेंस आप देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से हम स्टेट यानी अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना ज़िला का नाम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम अपना ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी पेज पे आप देखिए डेट का ऑप्शन है, किसी भी पेज पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप पंचायत वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो आखिर के घर में देख सकते हैं नंबर ऑफ मस्टल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इस पंचायत के अंदर कितना मस्टल ऑनगोइंग है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और मस्टल नंबर भी आपके सामने आए। तो मस्टल नंबर के ऊपर क्लिक करते ही देखिए उस डेट का अटेंडेंस आपके सामने आ जाएगा। साथ ही जो फ़ोटो आपने NMMS ऐप के द्वारा अपलोड किया था वही फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखेगा। साथ ही यहाँ पे मस्टल में काम करने वाले लेबर का नाम, जॉब का नाम भी आपके सामने दिखेगा। साथ ही आपको कोऑर्डिनेट भी दिखेगा, मतलब कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मिलेगा कि किस जगह पर खड़े होकर पहले वाला मतलब मॉर्निंग का अटेंडेंस का फ़ोटो लिया गया है वो लैट लॉन्ग भी आपके सामने दिखेगा। साथ ही यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू लार्ज इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो अटेंडेंस का फ़ोटो अपलोड किया था इस फ़ोटो को आप लार्ज आकार में यानी बड़े आकार में देख भी सकते हैं, साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस पुराना तरीके जैसे ही है लगभग, लेकिन ये जो अटेंडेंस दिखाने का टाइप है ये थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, NMMS ऐप ठीक ठाक यूज़ हो रहा है या नहीं ये जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।